हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बनना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 45वें मुकाबले के बारे में, जिसमें एक तरफ विराट कोहली की आरसीबी, तो वहीं दूसरी तरफ शुभम गिल की जीटी देखने को मिल रही है। यह मैच आपको 28 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सीजन के अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर बात करते हैं इनके दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें से बैंगलोर 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर गुजरात 2 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे अहमदाबाद के पिच स्लो, यहाँ पर एवरेज स्कोर 170 के आसपास का है। बैटर्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग में इजी होगा, स्पिनर्स को यहाँ पे फायदा मिलेगा। लास्ट कुछ मैचों में यहाँ बात बैटिंग करने वाली टीम जीत हासिल की है। अब अगर बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 42% रहेगा और टेम्परेचर 33°C रहेगा। तो अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फोर्स का यहाँ पे 54% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फोर्स का यहाँ पे 46% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, यहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 170 है, वहीं पर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 159 है। तो अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी गुजरात टाइटंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे गुजरात का परफॉर्मेंस इस साल अनकंसिस्टेंट दिखा, क्योंकि टीम एक मैच जीतती है तो अगला मैच हार जाती है, टीम ने निरंतरता की कमी दिखाई देती है। टीम ने अब तक टोटल 9 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 मैच जीत के आ रही है और 5 मैच हार के आ रही है। और लास्ट गेम की बात करें, जहां पे टीम ने दिल्ली से हार गई थी, वहीं अगर बात करें टीम इस मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकती है, टीम की बैटिंग में डेप्थ नहीं दिख रही है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि शुभम गिल, रिद्धिमान शाह स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं नंबर 3 पर साई सुदर्शन जो इस वक्त अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जहाँ पे डेविड मिलर लास्ट गेम में जबरदस्त बैटिंग करते हुए 55 रन बनाए थे, वहीं पर राहुल दिवतिया खुलकर स्ट्रोक प्लेइंग नहीं कर पा रहे हैं। लोअर ऑर्डर में शाहरुख खान एंड राशिद खान खेल रहे हैं। बॉलिंग में बात करें, टीम 3 अफगानिस्तान बॉलर्स के साथ खेल रही है, जिसमें नूर अहमद किफायती गेंदबाज कर रहे हैं और वहीं पर राशिद खान, हमजतुल्ला, जो कि अब तक उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। मोहित शर्मा, टीम ने लास्ट गेम में IPL इतिहास का सबसे महंगा स्पेल डाला, उन्होंने 4 ओवर में 73 रन लुटा दिए। संदीप वॉरियर जो सबसे 3 विकेट लिए थे। अब बात करते गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शुभम गिल, रिद्धिमान शाह, डेविड मिलर है, साई सुदर्शन है, अजमतुल्ला, राहुल तिवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, साई किशोर, मोहित शर्मा, संदीप वॉरियर। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि दर्शन नलकंडे, विजय शंकर, उमेश यादव, शरद बिहार, शाहरुख खान। अगर की प्लेयर की बात किया जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है और राशिद खान है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरी टीम यानी बेंगलोर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम के लिए टूर्नामेंट अब तक डिसअपॉइंटेड रहा, क्योंकि लगातार 6 मुकाबले हारने के बाद लास्ट गेम में टीम को सीजन की दूसरी जीत मिली। टीम ने मजबूत हैदराबाद को हराया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अब टीम के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया। टीम ने 9 मैच खेले, जिसमें से 1 मैच जीत हासिल की। टीम की बॉलिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि कोहली और कप्तान डुप्लेसिस अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। कोहली ने 403 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर भी पहन लिए। नंबर 3 पर बात करेंगे जो कि विलजैक खेल रहे हैं। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में कैमरॉन गिन और रजत पटीदार जो कि फॉर्म में आ चुके हैं। पटीदार लास्ट गेम में 20 फॉर्म में 50 रन बनाए थे। वहीं अगर फिनिशिंग में बात करेंगे जो कि दिनेश कार्तिक, महिपाल नमरौर जो इस वक्त बेहतरीन बैटिंग भी कर रहे हैं। बॉलिंग में टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है, लेकिन लास्ट गेम में टीम ने टारगेट सेव किया था। टीम ने टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे, जिसमें से मोहम्मद सिराज जो कि इस साल आउट ऑफ फॉर्म में दिखे। यहाँ पे स्पिन बॉलिंग में करण शर्मा ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। वहीं पर लॉकी फर्गुसन जो अब तक बहुत महंगे पिट गए हैं, यश दयाल जो अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वहीं पर कैमरॉन गिन एंड विलजैक भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फैफ डुप्लेसिस है, विराट कोहली है, विलजैक है, रजत पटीदार है, कैमरॉन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरर है, यश दयाल है, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गुसन। अब बात करते हैं इनके इंपैक्ट प्लेयर देखें तो विजय कुमार है, सौरभ चौहान है, प्रभु देसाई है, अनुज रावत है, स्नोपनिस है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली है, यश दयाल है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हुए विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर बेंगलोर होगा, क्योंकि बेंगलोर पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की और टारगेट सेव भी किया, तो उम्मीद है कि यह भी मैच बेंगलोर जीतेगी। यहाँ पे गुजरात टाइटंस को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।